सो हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस से इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं काफ़ी इफेक्टिव एक प्लेइंग कार्ड का ट्रिक। तो दोस्तों बेसिकली इसमें होगा क्या कि मैं आपका सिलेक्शन वाला कार्ड पहले ही जानता हूं कि आप कौन सा कार्ड सेलेक्ट करोगे, जो कि मैंने यहां रखा है। सो दोस्तों आपको नहीं पता है कि ये कार्ड कौन सा है, लेकिन मुझे पता है कि ये कार्ड कौन सा है और आप कौन सा कार्ड चूज करोगे। सो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी सिंपल है, ये ट्रिक काफ़ी सिंपल है और सीख जाओगे तो कहीं भी दिखाओगे तो लोग काफ़ी हैरान हो जाएंगे। सो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये कार्ड ट्रिक कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड है एंड इसके सारे के सारे कार्ड्स जो हैं हमारे मिक्स्ड हैं। फिर भी मैं एक अच्छे से सफल कर दूंगा ताकि जो जितने सारे कार्ड्स हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है, ओके। और दोस्तों इसमें से हम लोग एक ऑडियंस होगी जिससे पूछेंगे कि 11 से लेकर 20 के बीच कोई भी एक संख्या चुनिए, ठीक है। इस केस में मान लीजिए कि उन्होंने चूज करा, ऑडियंस ने चूज करा 14, तो 14 हम लोग 14 कार्ड डील कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। सो दोस्तों एक और इसमें प्रोसेस है कि 14 कार्ड उन्होंने चूज करा तो दोनों जो संख्या है माने 14 संख्या है तो एक उसमें 1 है एक 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 5। तो 5 फिर डील कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो दोस्तों 5 डील करने के बाद जो कार्ड आया वो है हमारा क्वीन ऑफ हर्ट्स, ठीक है। ये ऑडियंस की चूजन कार्ड है, क्वीन ऑफ हर्ट्स, लाल पान की बेगी, और जो मैंने कार्ड पहले से रखा था वो भी है लाल पान की बेगी। सो दोस्तों चलिए ये ट्रिक सीखेंगे कैसे किया जाता है उसे। सो दोस्तों आपको लेना है एक प्लेइंग कार्ड इस तरीके से, और किसी भी प्लेइंग कार्ड से एक आप कार्ड ले लेंगे जो कि उनका प्रिडिक्शन होगा, जो कार्ड सेलेक्ट करवाएंगे वो आपको कार्ड कोई भी एक ले लेना है। इस केस में मान लीजिए अदर डेक से आप लेते हैं क्वीन ऑफ हर्ट्स, लाल पान की बेगी, इसको इस तरीके से फेस डाउन करके रख दें, और इस डेक में से लाल पान की जो बेगम है उसको निकाल के टॉप से 10वें पोजीशन पे रख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इस तरीके से 10वें पोजीशन पे रख देने के बाद ये कंप्लीट आपका सेटअप तैयार है। परफॉर्म कैसे करेंगे, ले जाएंगे डेक, ठीक है, और इस तरीके से रिफिल सफल लगाएंगे ताकि ऊपर का जो 10 कार्ड है कुछ इस तरीके से ऊपर ही रहे, और ये एक तरह से जो कार्ड टॉप पे लाने का एक तरीका लगेगा कि सफल हुआ लेकिन ऊपर का कार्ड ऊपर ही रह गया 10वें पोजीशन तक, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, ऑडियंस से बोलना है कि 11 से लेकर 20 के बीच कोई भी एक संख्या चुनिए। सपोज करो कि ऑडियंस ने चूज करा 17, तो 17 कार्ड को डील कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 70, ठीक है, ओके। अब 17 कार्ड चूज करने के डील करने के बाद दोनों जो 17 जो जिस संख्या से बना है 1 और 7 से दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 आएगा, तो 8 फिर डील कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो 8 कार्ड डील करने के बाद जो टॉप का कार्ड है वो है हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स, एंड आपने पहले से जो कार्ड रखा था वो भी एक क्वीन ऑफ हार्ट्स। सो दोस्तों ये कंप्लीट सेल्फ वर्किंग कार्ड ट्रिक है, इसको आप एक बार जरूर परफॉर्म कीजिए, लोगों को दिखाइए, अपने घर में दिखाइए, काफ़ी अच्छे रिएक्शन है, लोग काफ़ी हैरान हो जाएंगे, यकीन मानिए। आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।